नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आप सभी व्यूअर्स का इसमें हार्दिक स्वागत है। वर्ड स्वैप के आज सेकंड पार्ट को अपन देखेंगे, तो इसके पहले क्वेश्चन को आज अपन जो है वो देखते हैं कि किस तरीके से अपन जो है वो इस अरेंजमेंट को यहाँ पे सही कर पाते हैं, कौन कौन सी टैक्टिक्स यहाँ पे अपन अपनाते हैं एग्ज़ाम के दौरान, ताकि ये सवाल जो है वो इसमें अपने पूरे में से पूरे नंबर आ सकें। तो क्वेश्चन नंबर आज के जो है वो फर्स्ट को यहाँ पे अपन रीड आउट करते हैं। इट्स इन द ह्यूमन रेस इंटरेस्ट, ये मानव प्रजाति के हित में है, टू एंश्योर, सुनिश्चित करना, दैट एनिमल्स आर ट्रीटेड वेल, कि जानवरों को सही तरीके से जानवरों के प्रति जो है व्यवहार यहाँ पे रहे। देयर प्रैक्टिसेस नॉट एनक्रोस्ड एंड दैट फार्म हैबिटेट्स आर क्लीन्ड अप। अब देखो यहाँ पे जो एनक्रोच शब्द है, एनक्रोच शब्द का मतलब होता है किसी चीज पे अतिक्रमण कर लेना, ठीक है ना। अपन किसी चीज पे अतिक्रमण कर लेते हैं तब इस शब्द का जो है वो अपन इस्तेमाल करते हैं। तो अतिक्रमण जो है वो किस चीज का होगा, जानवरों के जो है वो अपन जो जहाँ पे जानवर रहते हैं उन स्थानों का अपन अतिक्रमण कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है वो उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल किया गया है कि जो हैबिटेट्स है, हैबिटेट्स क्या होते हैं, वो आवास स्थान होते हैं जहाँ पे जानवर जो है वो रहते हैं। तो अपन क्या करते हैं, उनको क्लीन करके जो है उन पे खेती बाड़ी करने लग जाते हैं। तो ये जो स्थिति है उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। तो अब पहले तो अपन दो तरीके से इस सवाल को हल करना मैं आपको सिखाऊंगा, एक तो अर्थ के हिसाब से कैसे आप जो है वो इसको सही कर सकते हैं, दूसरी चीज जो है वो अपन ऑप्शन की मदद से भी सवालों को किस तरीके से जो है वो हल करेंगे। यहां पे देखो प्रैक्टिसेस जो है वो कभी भी एनक्रोच नहीं होगी। एनक्रोच किसको कहा किया जा सकता है, अतिक्रमण किसी स्थान का किया जाएगा, है ना, स्थान विशेष का अतिक्रमण होगा, इसलिए जो है वो यहाँ पे एनिमल्स भी नहीं आ सकता, ट्रीटेड भी नहीं आ सकता, है ना। तो यहाँ पे जो है ट्रीटेड तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि वर्ब है, जबकि दियर के बाद में अपन को जो है वो क्या चाहिए, नाउन यहाँ पे चाहिए। तो इसलिए आवास को अपन जो है वो कहाँ पे लेके जा सकते हैं, सी वाले पार्ट पे लेके जा सकते हैं, यानी सी वाला पार्ट जो है वो कहाँ पे आ सकता है, ई वाले पार्ट पे, और ई वाला पार्ट सी पे ट्रांसफर हो सकता है। अब इसको अपन पढ़ के देखते हैं कि सही है या नहीं है यहाँ पे। तो इट्स इन द ह्यूमन रेस इंटरेस्ट टू एंश्योर दैट एनिमल्स आर ट्रीटेड वेल एंड दियर हैबिटेट्स नॉट एनक्रोस्ड, और उनके जो आवासीय स्थान हैं उनका अतिक्रमण जो है वो नहीं हो। दैट फार्म प्रैक्टिसेस, और जो फार्म प्रैक्टिसेस हैं उनको जो है वो इन स्थानों से क्या किया जाए, दूर जो है वो रखा जाए। क्लीन अप का मतलब, वैसे यहाँ पे क्लीन अप का मतलब सफाई से नहीं है, क्लीन अप का मतलब यहाँ पे दूर रखना है या दूर करना है यहाँ पे। तो अपन को यहाँ पे समझ में आ गया कि सी के बाद में जो है वो ई आने की संभावना है। ऑप्शन यदि अपन देखेंगे यहाँ पे, सॉरी सी और ई एक्सचेंज रहेंगे, तो ऑप्शन यदि देखेंगे तो अपना सी ऑप्शन जो है वो आंसर में यहाँ पे, यानी थर्ड ऑप्शन आंसर में रहेगा। क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से भी अपन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो है वो आर के बाद में पेसिव जो है वो स्ट्रक्चर वर्ब की यूज़ की गई है, और पेसिव स्ट्रक्चर एनिमल्स को जो है वो यहाँ पे अतिक्रमण नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले भी बताया है एनिमल्स जो है वो अतिक्रमण किनका होगा, जो आवासीय स्थान है उनके ऊपर अतिक्रमण होता है मानव के द्वारा। तो यहाँ पे बी और जो है वो ए किसी भी कंडीशन में यहाँ पे जो है वो आदान प्रदान नहीं होगा। तो और बी और ए चेंज नहीं होंगे, तो ऑप्शन देखो यहाँ पे पहला नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, और चौथा ऑप्शन भी आंसर में नहीं हो सकता। तो निश्चित तौर पर आपका उत्तर क्या रहेगा, सी, यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो आंसर में रहेगा। तो आप प्रत्येक सवाल को ऑप्शन के माध्यम से भी करें, प्रत्येक सवाल को यदि आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप रीडिंग को समझ कर भी कर सकते हैं, किस तरीके से ऑप्शन का भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं दोनों चीज़ें आपको सिखाऊंगा और आप किस तरीके से इसमें पूरे में से पूरे मार्क्स, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी लिखा है, निश्चित तौर पर आपके आ सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा इसमें जो है वो ध्यान लगाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर आपके 5 नंबर इस सेशन में जो है वो पक्के हो जाएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। आइडियली द यूनियन गवर्नमेंट शुड डबल द करंट ईयर्स बजटरी वॉट स्कीम्स
फॉर ईच ऑफ इट्स स्पैंड्स इन द रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर पोस्टपोन्ड ए 50% इंक्रीज नाउ एंड ए परहैप्स डबलिंग द फॉलोइंग ईयर इज ए मोर रियलिस्टिक टारगेट। अब देखो यहाँ पे अपन किस तरीके से इस सवाल को जो है वो हल करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे, ये चीज़ें यहाँ पे अपन को ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे बता रहा है देखो लेखक कि ग्रामीण और जो है वो कृषि क्षेत्र के अंदर क्या यहाँ पे इट्स क्या चीज, यहाँ पे जो योजनाएं हैं उनके बारे में बोल रहा है और मौजूदा बजट के अंदर जो क्या उनके जो खर्चे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब आप देखो यहाँ पे ए और बी को आपस में एक्सचेंज करके यहाँ पे देखो कि इन आइडियली द यूनियन गवर्नमेंट शुड डबल, कि आदर्श तौर पर भारतीय केंद्र सरकार को यहाँ पे मौजूदा वर्ष का जो बजटीय खर्चा है, तो बजटरी क्या स्पेंड्स जो खर्चा है फॉर ईच ऑफ इट्स, इसके प्रत्येक जो है जो ग्रामीण और जो यहाँ पे कृषि से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उसके लिए यहाँ पे सो उसको डबल कर देना यहाँ पे चाहिए, ये बोला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ए और बी आपस में एक्सचेंज होंगे तभी इसको अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। अब बाकी क्या चीज चेंज हो सकती है अपन ऑप्शन के हिसाब से भी देखेंगे। यहाँ पे देखो ए के साथ ई नहीं आ सकता क्योंकि अपन ए के साथ बी यहाँ पे फिट रहेगा, बी सी भी यहाँ पे नहीं आ सकता, बी ई भी नहीं आ सकता, ए के साथ बी रहेगा, तो अपना ऑप्शन निश्चित तौर पर जो है वो फोर्थ ऑप्शन आंसर में रहेगा। अब देखो आंसर तो अपना फोर्थ आ चुका है लेकिन सी और डी को भी अपन यहाँ पे कंफर्म जो है वो कर लेते हैं। देखो यहाँ पे तो ये परहैप्स जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, पोस्टपोन्ड की जगह चला जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि शायद जो है वो 50% इंक्रीज जो है वो अब यहाँ पे जो है वो हो इस चीज़ के लिए, एंड ए पोस्टपोन डबलिंग द फॉलोइंग ईयर इज़ ए मोर रियलिस्टिक टारगेट, और जो है वो आने वाले जो है वो वर्ष के अंदर जो है इस चीज़ को जो है वो वहाँ पे डबलिंग किया जाए या इसको जो है वहाँ पे जो है वो दुगुना वहाँ पे किया जाए, ये एक जो है वो ज़्यादा रियलिस्टिक टारगेट यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन की मदद से देखो आप ज़्यादा अच्छे से सवाल हल कर पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। डॉक्टर्स एक्सप्लेन दैट एन एनिमल और बर्ड इन ए अनडिजायरेबल स्ट्रेस्ड एनवायरमेंट एंड वॉचिंग अनादर बींग किल्ड विल हैव कंस्ट्रेंड रिएक्शंस विद इन इटसेल्फ। अब देखो यहाँ पे अपन जो है वो इस चीज़ को अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं कि निश्चित तौर पर जो है यहाँ पे देखो डॉक्टर्स यहाँ पे जो है वो नाउन है और प्लूरल है, इसके साथ जो है वो वर्ब आया है जिसके साथ एस या ईएस का अपन ने यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो वॉचिंग भी यहाँ पे नहीं जा सकता, किल्ड भी यहाँ पे नहीं जा सकता, कंस्ट्रेंड भी नहीं जा सकता और अनडिजायरेबल भी नहीं जा सकता क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ठीक है। यानी ए अपना पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए चेंज नहीं करेगा तो ये तीसरा ऑप्शन भी आंसर में नहीं आएगा और चौथा ऑप्शन भी आंसर में नहीं आएगा। अब आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड से ये संभावना लग रही है कि शायद यदि पोजीशन इस सवाल में चेंज होती है तो बी की चेंज हो सकती है, तो अपन बी को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो बी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट देखो यहाँ पे क्या है, नाउन है। एनवायरनमेंट कैसा है, स्ट्रेस्ड है, तो ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। एनवायरनमेंट जैसे कैसा है, अनडिजायरेबल है। अनडिजायरेबल एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि पहला जो है वो हिंट तो आपको ऐसे मिल जाएगा कि ये ए आर्टिकल लगा हुआ है, देखो यहाँ पे तो आर्टिकल यहाँ पे ये नहीं आएगा, इसका मतलब निश्चित तौर पर जो है वो बदलने की संभावना यहाँ पे रहेगी। अब इसने क्या कर रखा है, ऑप्शन में देखो आप कि सी और ई को चेंज कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो है वो स्ट्रेस्ड एनवायरमेंट एंड वॉचिंग अनादर बींग किल्ड विल हैव कंस्ट्रेंट रिएक्शन विद इन इट्सेल्फ। तो अब जो है वो सवाल ये होता है कि बी जो बदला जाएगा वो ई से बदला जाएगा या फिर जो है वो सी से बदला जाएगा। तो सी से नहीं बदला जा सकता यहाँ पे क्योंकि सी जो है वो यहाँ पे
जो है वो वर्ब के फॉर्मेट के तौर पर काम कर रही है, यहाँ पे पार्टिसिपल है, यहाँ पे तो पार्टिसिपल है, इसलिए यहाँ पे अपन को चाहिए क्या, एडजेक्टिव चाहिए। यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए तो यहाँ पे ये भी कंस्ट्रेंट भी जो है वो किस तरीके का शब्द है, एक ऋणात्मक शब्द है जो कृत्रिम अवस्था को यहाँ पे निरूपित करता है। तो प्रतिक्रिया कैसी, जो अवांछनीय प्रतिक्रिया है, तो यहाँ पे जो है वो अपन बी को किससे चेंज कर देंगे, ई से चेंज कर देंगे, और ई जो है वो बी वाले स्थान पे चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है कि सवाल को कैसे हल करना है। देखो यहाँ पे तो अपन ने यहाँ पे कैसे पकड़ा कि डॉक्टर्स यहाँ पे जो है वो नाउन है और एक्सप्लेन वर्ब यहाँ पे एस या यस नहीं लगा हुआ है। यदि ए चेंज होगा तो यहाँ पे कोई भी शब्द इस फॉर्मेट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ए चेंज नहीं होगा, तो अपना ऑप्शन नंबर सी और फोर्थ कैंसिल हो गया। अब जो है वो यहाँ पे आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है ए, तो अनडिज़ायरेबल के हिसाब से ये यहाँ पे सुटेबल नहीं है, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर जो है वो बी वाली पोजीशन यहाँ पे चेंज हो सकती है। तो बी पोजीशन चेंज होगी तो यहाँ पे इसका मतलब नो इंटरचेंज वाले भी संभावना नहीं है। अब आपने अपने पास ऑप्शन एक और दो बचा, तो बी वाला चेंज तो होगा ये तो पता चल गया, लेकिन ई से होगा कि सी से होगा ये अपन चेक कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो एनवायरमेंट जो है वो वातावरण कैसा हो सकता है, इसके लिए कंस्टेंट भी एडजेक्टिव है और यहाँ पे अनडिज़ायरेबल भी एडजेक्टिव है, तो दोनों चीज़ें एडजेक्टिव हैं तो आपस में एक्सचेंज यहाँ पे हो जाएंगी। ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझना है। तो अपना आंसर जो है वो इसके अंदर जो है वो कौन सा हो जाएगा, बी ई से चेंज होगा, यानी पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे जवाब रहने वाला है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं। Your hygiene and better farm practices in the meat industry if you do not want to have disease-ridden meat coming to ensure table or viruses jumping species and mutating dangerously to infect and kill humans. तो mutate करेंगे और खतरनाक तरीके से infect करेंगे यहाँ पे और मानव को मार देंगे, यानी E वाली स्थिति और जो है वो यहाँ पे D तो change होते नज़र नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ पे टेबल देखो, यानी जिस पे अपन खाना खाते हैं ये उसी के बारे में बोल रही है कि हमारे भोजन के अंदर वो आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये टेबल के साथ जो है वो एंश्योर टेबल लगाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, है ना। कमिंग टू वो आते हैं यहाँ पे, आ रहे होते हैं यहाँ पे किसके ऊपर, योर टेबल के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे योर टेबल आएगा, ये यहाँ पे गलत था स्ट्रक्चर, यानी सी वाला पार्ट यहाँ पे निश्चित तौर पर चेंज होगा ए से, यानी सी और ए आपस में बदले जाएंगे, ये आपको यहाँ पे समझना है। जब सी और ए आपस में बदले जाएंगे तो आप ऑप्शन को यहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन ये तो नहीं आएगा, ये ख़त्म हो गया है आपका, ये भी ख़त्म हो गया है। सी और ए बदले जाएंगे तो आपका सेकंड और फोर्थ में है। क्या बी और ई भी चेंज हो सकते हैं, अपन देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे बी दिया हुआ है डिजीज रिडन मीट, डिजीज रिडन का मतलब जिसमें बीमारियां जो हैं वो साथ में यहाँ पे जो है वो समावेशित होती है, जो आगे जाती हैं यहाँ पे अपने भोजन के अंदर जाती हैं, और फिर यहाँ पे जो है वो ई से ये चेंज हो सकता है क्या, हैव इन्फेक्ट मीट कमिंग, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है वो सेट नहीं बैठेगा, इसलिए जो है वो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे टू के बाद में इन्फेक्ट वर्ब का भी काम कर रही है, तो ये भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यदि आप डिजीज रिडन लेके आएंगे तो वो स्ट्रक्चर भी यहाँ पे सेट नहीं बैठेगा वर्ब के हिसाब से भी। तो निश्चित तौर पर आपका आंसर फिर जो है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपको कौन सा आंसर यहाँ पे मिलेगा, आपका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। ए और सी जो है वो आपस में एक्सचेंज यहाँ पे होंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो बहुत इजी है, इसको थोड़ा सा अपन ट्रिक से करेंगे। देखो यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रमोशन अंडरटेकन हैव बीन एक्टिविटीज, अब देखो हैव बीन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, पेसिव स्ट्रक्चर है, तो हैव बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और एक्टिविटीज क्या है, नाउन है, इसलिए ये दोनों आपस में एक्सचेंज होंगे यहाँ पे, यानी ए और बी जो है वो आपस में निश्चित तौर पर बदले जाएंगे, ये अपन को पढ़ते ही पता चल गया यहाँ पे। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, सेकंड भी नहीं आएगा यहाँ पे, थर्ड भी नहीं आएगा, फोर्थ ऑप्शन आंसर में यहाँ पे रहेगा।
तो कई सवालों के हल देखो अपन को देखते ही मिल जाएंगे। जब आपके 5 सवाल एग्जाम में आएंगे तो एक आध सवाल जो है वो इतना सरल रहेगा कि अपन उसको देखते ही कर सकते हैं। कुछ सवालों में एक आध में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एट द हार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी टू डबल्स फार्मर्स इनकम लाइज इन 3 प्रॉन्स्ड तत्व यानी प्रिंसिपल इंक्रीज द फार्मर्स टू इंक्रीज इनकम। अब देखो यहाँ पे कुछ अजीब सा आपको लगेगा, इंक्रीज द फार्मर्स टू इंक्रीज द इनकम, तो फार्मर को बढ़ाना इनकम के लिए, यहाँ पे तो कुछ जम नहीं रहा। यानी निश्चित तौर पर बी जो है वो यहाँ पे आपको गड़बड़ नजर आएगा। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सो दूध सेविंग, यानी लागत को कम करना उत्पादन की, ताकि जो सेविंग है वो किन में जाके जुड़ जाए, उनकी आय में जाके जुड़ जाए, इससे उनकी आय बढ़ेगी। एंड हेल्प यील्ड्स रिसीव रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, तो मदद किससे मिलेगी, किसको मिलेगी इससे। हेल्प के बाद में देखो किसकी मदद मिलेगी वो आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको निश्चित तौर पर अपन बोल रहे हैं कि बी गड़बड़ है यहाँ पे, तो बी जो है वो किसका स्थान ले सकता है, डी का स्थान ले सकता है, यानी बी की जगह डी यहाँ पे आ सकता है। अब फिर पढ़ के देखो, इंक्रीज द यील्ड्स, यील्ड्स का मतलब क्या होता है, उत्पादनता या पैदावार यहाँ पे, या रिजल्टेंट जो यहाँ पे इफेक्ट है यहाँ पे, तो इंक्रीज द यील्ड्स टू इंक्रीज इनकम, यानी यील्ड को बढ़ाना यहाँ पे आय बढ़ाने के लिए। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सो दूस सेविंग्स एड टू द इनकम। एंड हेल्प, किनकी हेल्प, फार्मर्स की हेल्प, रिसीव रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। तो इस तरीके से बी और डी निश्चित तौर पर चेंज होंगे यहाँ पे। तो आपका आंसर ऑप्शन के हिसाब से कौन सा रहेगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आंसर में रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। अनादर इम्पॉर्टेंट टास्क अहेड इज डिसाइडिंग द एक्सटेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर डेवलपिंग डायरेक्शन एंड मूविंग एग्रीकल्चर टू द कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है यहाँ पे जो बराबर है या उसके समतुल्य है यहाँ पे। लिस्ट टू गिव इट मच नीडेड मॉडल्स। अब देखो यहाँ पे जो है वो क्या चीज़ चेंज हो सकती है यहाँ पे। अनादर इम्पॉर्टेंट टास्क अहेड, अब जो आगामी जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो क्या है, इज डिसाइडिंग, यानी उस चीज़ को यहाँ पे डिसाइड करना, टू एक्सटेंट यानी व्यापकता को, जो कृषि क्षेत्र के शोध से जुड़ी हुई है, फॉर डेवलपिंग यानी विकसित करने के लिए दिशा निर्देशों को। तो दिशा निर्देशों को विकसित थोड़ी किया जाता है, विकसित किसको करेंगे अपन, जो मॉडल्स हैं यहाँ पे कृषि से जुड़े हुए मॉडल्स हैं उनको विकसित करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। डायरेक्शन को विकसित नहीं किया जाता है, क्योंकि मच नीडेड क्या हो गया, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद दिशा निर्देश है, डायरेक्शंस जो हैं। तो इसलिए यहाँ पे निश्चित तौर पर बी किससे चेंज हो जाएगा, डी से, और डी बी से चेंज यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट भी नहीं आएगा, सेकंड भी नहीं आएगा, फोर्थ नहीं आएगा, फिफ्थ नहीं आएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आंसर में रहेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपका बी डी से रिप्लेस यहाँ पे होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो किस तरीके से एक्सचेंज होगा देखते हैं। पॉसिबली वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरीज दैट यूजर्स इन द साइबर स्पेस रिसेंटली हैज़ बीन WhatsApp report that 1400 of its blog were hacked by Penguin and spyware tool from Israel firm NSO group. अब देखो यहाँ पे अपन को पता है कि इट्स आया है, तो इट्स के बाद में नाउन आना चाहिए, है ना। तो ब्रॉक तो जो है वो वर्ब है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये गड़बड़ है, सी चेंज होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ यहाँ पे अपन को क्या नज़र आ रही है, क्या बी चेंज हो सकता है, क्योंकि हैज दिया हुआ है फिर बीन है, इसका मतलब इसके चेंज होने की संभावना नहीं है, ठीक है। यानी बी चेंज नहीं होगा यहाँ पे, तो बी चेंज नहीं होगा तो ऑप्शन जो है वो ए भी ख़त्म, सॉरी यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी ख़त्म और थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इट्स के बाद में यहाँ पे आना क्या चाहिए, नाउन आना चाहिए, तो नाउन आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आप यूजर्स को देखो यहाँ पे, ठीक है ना, यूजर्स से चेंज हो सकता है या फिर स्पाईवेयर से चेंज हो सकता है यहाँ पे। यानी सी या तो डी से चेंज होगा या फिर सी ए से चेंज होगा।
लेकिन ऑप्शन में आपको सी और डी यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आप जो है वो यहाँ पे किससे चेंज करेंगे, यहाँ पे किससे चेंज करके देखेंगे इसको, सी को आप जो है वो यहाँ पे ए से चेंज करके यहाँ पे एक बार चेक करते हैं अपन, ठीक है ना। सी बी से तो निश्चित तौर पर किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब आंसर के तो अपन नज़दीक पहुँच चुके हैं, लेकिन एक बार अर्थ करके और देख लेते हैं। पॉसिबली वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरी दैट ब्रॉक, तो ये ब्रॉक यहाँ पे ए वाली जगह चले जाएगा। इन द साइबर स्पेस रिसेंटली हैज़ बीन व्हाट्सएप रिपोर्ट दैट 1400 ऑफ इट्स क्या इट्स यूजर्स, तो यहाँ पे यूजर्स आ जाएगा। इसका मतलब अपन को पता चल गया कि सी और ए आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज होने वाले हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। द अदर एपिसोड टू दिस होल एंगल इज द रोल ऑफ परपेट्रेटर्स। परपेट्रेटर्स का मतलब होता है जो मुजरिम होते हैं, या अपन उनको अपराधी बोल सकते हैं, उनके लिए अपराधी शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिहाइंड द हैक यानी जो हैकिंग हुई उसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है द रोल ऑफ परपेट्रेटर्स, परपेट्रेटर्स तो यहाँ पे सही है, इसको तो चेंज करने की आवश्यकता यहाँ पे लग नहीं रही है, ठीक है ना। बिहाइंड द हैक तो ये भी सही है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आ नहीं सकती यहाँ पे, यानी सी और डी यहाँ पे जो है वो सही होता नज़र आ रहा है। तो ए फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे संभावना कम हो गई। इसके बाद में ये भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। ए और बी अपन चेंज करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो द अदर एंगल यानी दूसरा जो नज़रिया है ना, टू दिस होल एपिसोड, ये पूरा जो घटना चक्कर है, पूरा घटना चक्कर है ना, तो यहाँ पे अर्थ के हिसाब से निश्चित तौर पर ए और बी आपस में चेंज होंगे, क्योंकि इसका अर्थ निकालने की कोशिश करो आप। देखो कि द अदर एंगल जो दूसरा नज़रिया है किस किस चीज़ के लिए, इस पूरे घटना चक्कर के लिए, तो यहाँ पे निश्चित तौर पर ए और बी आपस में एक्सचेंज होंगे, तभी इसको अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। यानी नाइन्थ में आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन आंसर में यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इंडिया हैज़ ए गुड प्रेजेंस विद बोथ श्रीलंका एंड म्यांमार, तो भारत एक अच्छी प्रेजेंस रखता है श्रीलंका और म्यांमार के साथ, कैसा अर्थ सेट हो रहा है आगे देखते हैं। हाउएवर किंतु बोथ द नेबर्स यानी दोनों जो पड़ोसी हैं, हैव एन इंट्रूसिव, इंट्रूसिव का मतलब होता है हस्तक्षेप, है ना, हस्तक्षेप रखना यहाँ पे। तो एन आर्टिकल है देखो यहाँ पे, अब ये एन आर्टिकल है तो सिर्फ यही वर्ड यहाँ पे सेट हो सकता है, वोवल्स का साउंड इसी के साथ आ रहा है। इसका मतलब सी को आप किसी से भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल हो गया आपका। एंड लेस देन हेल्दी चाइनीज रिलेशंस इन दियर कंट्रीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है जो मौजूदगी है चाइना की, जो मौजूदगी है जो है उन देशों के अंदर, उसकी बात यहाँ पे जो है वो की जा रही है। क्वेश्चन के अंदर देखो भारत जो है वो श्रीलंका और म्यांमार के साथ जो है अच्छे क्या रखता है, तो एक देश दूसरे देशों के साथ अच्छे क्या रखता है, रिलेशंस रखता है, उनके संबंध अच्छे होते हैं दूसरे देशों के साथ। तो रिलेशन जो है वो कहाँ पे जाने की संभावना है, ए वाले पॉइंट पे जाने की संभावना है, यानी डी और आपस में ए जो है वो क्या होंगे, चेंज यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। डी और ए जब चेंज होंगे तो ऑप्शन के ऊपर अपन जाएंगे तो 3 नंबर भी यहाँ पे नहीं आ सकता, 4 नंबर भी नहीं आ सकता, 1 नंबर आंसर में निश्चित तौर पर यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से अपन जो है वो यहाँ पे आंसर पे पहुँच सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे वाले सवाल को देखते हैं। विद ऑनली ए स्मॉल फ्रैक्शन, अब देखो फ्रैक्शन यहाँ पे जो है वो नाउन का काम कर रहा है, तो नाउन कर रहा है तो यहाँ पे पेइंग टैक्सेस वाला भी नहीं आएगा, हरासिंग हरासमेंट जो है पीपल्स का यहाँ पे वो भी नहीं आएगा, कॉक्सिंग डैम उनका वो भी नहीं आ सकता। इसका मतलब ए वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे चेंज यहाँ पे नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में, तो ए वाला पार्ट चेंज नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ख़त्म, फिर जो है ऑप्शन नंबर 4 ख़त्म। अब इसके बाद में ये बोल रहा है कि भाई सी चेंज हो सकता है दोनों में, देखो यहाँ पे दोनों में सी सी यहाँ पे दिया है, यानी सी को या तो बी से चेंज किया जा सकता है या सी को डी से चेंज किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊँ, कॉक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को मनाना, है ना, हरास का मतलब होता है किसी को परेशान करना, है ना, परेशान करने से को लेकर है, लोगों को जो है
ज़बरदस्ती उनसे जो है वो उनको दबाना या डराना धमकाना, उसके लिए यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो विद ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ 130 करोड़ पीपल इन द कंट्री पेइंग टैक्सेस, यानी बहुत कम हिस्सा जो है देश के अंदर लोगों जो है वो टैक्स यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे बी वाली स्थिति तो नज़र नहीं आ रही कि यहाँ पे जो है वो, यदि आप सी और बी को आपस में एक्सचेंज करेंगे तो टैक्सेस को परेशान करने वाला तो कोई अर्थ ही सेट नहीं होगा। यदि आप हरास जो है वो हरासिंग शब्द को यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये टैक्सेस को परेशान करना कुछ समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ जमेगा नहीं यहाँ पे कि, ठीक है ना, क्योंकि लोगों को परेशान तो किया जा सकता है, टैक्स को थोड़ी परेशान किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप जो है वो बी और सी आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते, यानी ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। तो अब आपका आंसर जो है वो यहाँ पे क्या संभावना होगी, या तो नो इंटरचेंज रहेगा या सी और डी यहाँ पे हो सकता है। सर्टेनली ए नीड टू इम्प्रूव द कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब जो यहाँ पे व्यवस्था है, यहाँ पे अनुरूपता है लेवल की, दैट कैन बी डन, जिसको किया जा सकता है ओनली बाई पीपल टू वॉलेंट्रीली कम फॉरवर्ड, कि वो स्वतः जो है वो आगे आए, यानी लोगों को क्या किया जाए इसके लिए, कॉक्सिंग किया जाए, मनाया जाए, ना कि परेशान किया जाए। इसलिए ये परेशान वाला जो शब्द है ना, ये आपके सी वाली पोजीशन पे आएगा, यानी सी और आपस में डी एक्सचेंज होंगे, क्योंकि वॉलेंटरली वो आगे आए इसके लिए उनको रजामंद करने की ज़रूरत है। एंड पे टैक्स विदाउट द फियर ऑफ द टैक्स मैन, और बिना टैक्स मैन यानी जो ऑफिसर लोग हैं जो कलेक्शंस करते हैं उनके बिना भय के वो जो है वो इनको जो है वो उनको टैक्स मैन के जो हरासमेंट है, हरासिंग जो उनको डराते हैं, उनके बिना उसके जो है वो पैसे को वहाँ पे अदा करे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, इसलिए आपका आंसर जो है वो यहाँ पे क्या आएगा, सी और डी आपस में निश्चित तौर पर चेंज होंगे, और चेंज होने के बाद में आपका जवाब यहाँ पे क्या रह जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आंसर में रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 भी अपन ने कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे अपन जो है वो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम स्केल इकोनॉमीज प्लेइंग ए रोल, द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स इज शेयर टू अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब जो है किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना, है ना, किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना, उसके लिए अकाउंट फॉर का यूज़ किया जाता है। तो जिम्मेदार वो किसके लिए है, ए मेजर एस्टिमेटेड ऑफ द कॉस्ट डिफरेंस, यानी लागत के अंदर जो यहाँ पे डिफरेंस है उसके एक मेजर जो है वो क्या हिस्सा, तो ये हिस्से के लिए यहाँ पे एस्टिमेटेड नहीं आएगा ये, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे चेंज होने की संभावना किससे हो जाती है, ये एस्टिमेटेड किसकी जगह जो है वो जा सकता है, यहाँ पे शेयर की जगह जा सकता है, यानी कहने का मतलब बी और डी यहाँ पे आपस में एक्सचेंज जो है वो होने वाले हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड यानी आंकलन जो है वो किया जाता है या मूल्यांकन किया जाता है। तो ये पेसिव स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो एस्टिमेटेड यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना। और शेयर जो है जो हिस्सेदारिता है यहाँ पे कॉस्ट डिफरेंस की, वो यहाँ पे चली जाएगी। इसलिए आपका आंसर जो है वो इसमें कौन सा रहने वाला है, बी और डी आपस में एक्सचेंज होंगे, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आंसर में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, दीज बैंक्स आर स्टैंडिंग टू डू दिस बाई यूटिलाइजिंग द बैलेंस प्लानिंग टू क्रेडिट टू दियर शेयर प्रीमियम अकाउंट इन ऑर्डर टू प्रजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ दियर फाइनेंशियल पोजिशन। तो अपनी वित्तीय स्थिति के लिए एक फेयर व्यू देना और ट्रू व्यू देना, तो ये तो सही लग रहा है यहाँ पे, है ना, इन ऑर्डर टू प्रजेंट, प्रस्तुत करने के लिए। इसका मतलब सी और डी तो यहाँ पे चेंज होने की संभावना न के बराबर है, ठीक है ना, सी और डी यहाँ पे चेंज नहीं हो सकते। तो सी और डी चेंज नहीं हो सकते, तो पहला ऑप्शन गया, दूसरा ऑप्शन गया, तीसरा ऑप्शन गया, अब या तो फोर्थ ऑप्शन आंसर में रहेगा या फिफ्थ रहेगा। तो अपन देखते हैं, देखो द बैंक्स आर प्लानिंग, यानी बैंक्स जो है यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं टू डू दिस, इसको करने के लिए बाय यूटिलाइजिंग, उपयोग जो है वो करते हुए द बैलेंस स्टैंडिंग, जो यहाँ पे मौजूदा जो क्रेडिट है उसका उपयोग करते हुए, है ना। स्टैंडिंग का मतलब जो यहाँ पे जो है मौजूदा जो बैलेंस है यहाँ पे,
तो प्लानिंग तो यहाँ पे जा सकता है, और यहाँ पे एक जो है वो किसके जगह, एक किसकी जगह चला जाएगा, बी की जगह चला जाएगा। यानी निश्चित तौर पर ए और बी आपस में एक्सचेंज होंगे अर्थ के हिसाब से। तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आंसर में रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखते हैं आगे। द SBI चीफ एक्सपेक्ट्स दैट द बैंक हैज स्टेप्ड अप। अब देखो, स्टेप्ड यहाँ पे बोल रहा है कि भाई ये चेंज हो सकता है क्या, ये नहीं चेंज हो सकता क्योंकि अब इसके साथ आएगा। देखो, क्योंकि स्टेप अप का मतलब होता है आगे आना वहाँ पे, ठीक है ना, तो ये चेंज नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, इट्स मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑब्जर्व टू। अब देखो, टाइड ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ पे काबू पाना या कंट्रोल करना। कोविड इम्पैक्ट इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म, तो समय बताने के लिए यहाँ पे ये ठीक है, मीडियम टर्म, शॉर्ट टू मीडियम टर्म आएगा, यानी डी भी चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पे, तो अपन ने यहाँ पे देख लिया कि भाई डी भी कहीं नहीं जाने वाला और जो है वो बी भी अपने स्थान से नहीं हिलेगा, ठीक है, तो डी चेंज नहीं होगा तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, तो ये वाला भी ख़त्म, ये वाला भी ख़त्म। क्या ए सी से चेंज हो सकता है, ये अपन देखें तो यहाँ पे, तो ये चेंज नहीं हो सकता। क्यों चेंज नहीं हो सकता, देखो यहाँ पे, क्योंकि हैज़ के बाद में देखो यहाँ पे वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म आई है, और एंड के बाद में भी उसकी स्ट्रक्चर अपन देखें तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म वाला स्ट्रक्चर ही रहेगा। यदि आप इसको वर्ब की एस या ई एस वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस वाली फॉर्म यहाँ पे लेके आ गए सी वाली जगह, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए निश्चित तौर पर ए और सी आपस में एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होने वाले हैं, तो आंसर आपका क्या रहेगा, फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पे आंसर में रहने वाला है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। वन फैक्टर दैट हैज़ डाइल्यूटेड, तो यहाँ पे डाइल्यूटेड, देखो यहाँ पे यदि अपन सेंटेंस के हिसाब से पहले यदि ग्रामर देखें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। द सेंसेक्स इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉकडाउन विच स्टार्टेड ऑफ। अब देखो, स्टार्टेड ऑफ चेंज नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टेड ऑफ ये अपने आप में एक जो है वो एकल जो है वो हिस्सा है, और इसका मतलब होता है, स्टार्ट ऑफ का मतलब किसी चीज़ को शुरू करना। यहाँ पे ऑफ बींग कम्प्लीट इन अप्रैल बट देन गॉट अफेक्टेड इन स्टेजेज एट डिफरेंट लेवल रेजिंग द होप दैट थिंग्स कुड। अब देखो, कुड यहाँ पे आया है, इसके बाद में ये बी लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, ठीक है ना। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो आप देखो, कोई भी यदि इसको डी को किसी से भी आप चेंज करते हैं, अफेक्टेड से करेंगे, स्टार्टेड से करेंगे, डाइल्यूटेड से करेंगे, तो सब जो है वो सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आपको नजर आ रही है, तो डी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा, ये आपको पता चल गया। और बी भी अपना स्थान नहीं छोड़ेगा, यानी ये दो चीज़ें तो चेंज नहीं होंगी, तो डी चेंज नहीं होगा, बी चेंज नहीं होगा। अब ए और सी अपन देख लेते हैं, यदि चेंज होता है तो ठीक है, नहीं तो इसमें भी फिफ्थ ऑप्शन आंसर आ सकता है। तो वन फैक्टर दैट हैज़ अफेक्टेड, यानी एक तथ्य या एक जो कारक जो यहाँ पे सेंसेक्स को प्रभावित जो है वो करता है, इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉकडाउन, यानी किसने प्रभावित किया है, जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ है या उसका प्रवेश हुआ है लॉकडाउन का, वो मुद्दा यहाँ पे उसने प्रभावित किया है, यहाँ पे किसको, सेंसेक्स को। विच स्टार्टेड ऑफ बीइंग कंप्लीट इन अप्रैल बट देन गॉट डाइल्यूटेड इन स्टेज एट डिफरेंट लेवल। डाइल्यूटेड का मतलब धीरे धीरे उसमें जो रियायतें दी गई यहाँ पे, तो अलग अलग चरणों में जो यहाँ पे डिफरेंट लेवल पर जो चरणों के रूप में उसमें जो डाइल्यूशंस हुआ या रियायतें वहाँ पे मिली या ख़त्म जो हुआ उसको यहाँ पे बताया गया है। तो निश्चित तौर पर जो है वो यहाँ पे ए जो है वो किससे चेंज हो जाएगा, सी से यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आंसर में रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 को देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज मूवमेंट कॉल इन हिज मंथली मन की बात रेडियो प्रोग्राम टू इंटेंसीफाई द ड्राइव अगेंस्ट मेल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण के खिलाफ जो यहाँ पे गति है या जो यहाँ पे अभियान है उसको तेज करने के लिए, तो ये तो ठीक है, यहाँ पे टू इंटेंसीफाई द ड्राइव अगेंस्ट मेल न्यूट्रिशन बाई मेकिंग इट ए मास रिसेंट। अब मास रिसेंट नहीं आएगा, देखो कॉल यानी हाल ही की जो यहाँ पे कॉल की गई है, आह्वान किया गया है, ठीक है ना। इज ए वेल जस्ट एंड नेट ड्रिवन मूव टू कर्ब दिस स्कर्ज। स्कर्ज का मतलब होता है विपत्ति, है ना,
विपत्ति को हमेशा क्या करेंगे, कर्म का मतलब नियंत्रण करना, ठीक है ना। तो विपत्ति को नियंत्रित करने वाली स्थिति में आपका डी जो है वो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। और कुपोषण के खिलाफ जो ड्राइव है उसको तेज करने के लिए बोला जा रहा है, इंटेंसिफाई करने को बोला जा रहा है, इसलिए बी भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो संभावना यहाँ पे किसकी रह जाती है, एक जो मास मोमेंट है, एक बड़ा जो अभियान है, तो यहाँ पे मास के साथ मोमेंट यहाँ पे सेट होगा और रिसेंट कॉल यहाँ पे आएगी, यानी ए जो है वो किससे चेंज हो जाएगा, सी से चेंज हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो थर्ड यहाँ पे आंसर में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं अपन। मोस्ट ऑफ न्यूट्रिशन ओरिएंटेड स्कीम्स आर फोकस्ड नैरोली ऑन अचीविंग जस्ट वन और कपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एट ए टाइम साइमल्टेनियसली देन स्ट्राइकिंग रादर एट ऑल द फैसेट्स। फैसेट्स का मतलब होता है रुख, जो रवैया है। दिस मैनस, मैनस का मतलब यहाँ पे खतरा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो इस सवाल को करना बेहद ईजी है, कई बार अपन को चीज़ें पकड़ में नहीं आती, लेकिन वो यदि पकड़ में आ जाए तो चंद सेकेंडों में सवाल हल हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है देन, तो अपन को यदि ये वाली बात पता है कि रादर के बाद में देन आता है, तो इसका मतलब ये यदि बात अपन को पता है तो सी वाला किससे चेंज हो जाएगा, डी से चेंज हो जाएगा। तो सी और डी आपस में एक्सचेंज होंगे, तो सी और डी आपस में एक्सचेंज होंगे, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आंसर में रहने वाला है। तो बहुत इजी था ये सवाल, यदि आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते या इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है वो 18 को यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड इन एक्ट टू एन आरटीआई रिक्वेस्ट। देखो आरटीआई रिक्वेस्ट में इन्फॉर्मेशन को जो है यहाँ पे जो है वो रिक्वेस्ट के सापेक्ष क्या कार्य होता है, देखो ये आपको ध्यान रखना है। मैट द वायर हैज़ कन्फर्म द फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर रघुराम रंजन इंडीड नोटिफाइड नरेंद्र मोदी ऑफ द नीड टू प्रॉप की डिफॉल्टर्स एज अर्ली एज 8 months into his prime ministerial tenure, advised that the government failed to respond upon. अब देखो यहाँ पे upon दिया हुआ है, ये अपन को पता होना चाहिए किससे change हो सकता है। तो अपन को पता है कि act के साथ क्या आता है, act upon आता है। act upon का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर कार्यवाही करना यहाँ पे, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर आपका ए और डी आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे, ये अपन को यहाँ से पता चल गया है। तो ए और डी आपस में एक्सचेंज होंगे क्योंकि प्रेपोजिशन से भी पता चल गया, और आरटीआई रिक्वेस्ट के सापेक्ष क्या होगा, रेस्पॉन्स होगा यहाँ पे, तो इससे भी पता चल गया, यानी ए और डी आपस में एक्सचेंज होंगे। तो 18 के अंदर आपका सेकेंड ऑप्शन आंसर में रहेगा। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल दो 56 यूनिवर्सिटीज रिमेंड इन द रैंकिंग दिस ईयर From 49 the year before, 7 fell into a lower band. यानी 7 जो है वो lower band के अंदर जो है वो यहाँ पे रही है। The bulk का मतलब अधिकांश जो है, figured unchanged का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे, देखो यानी अपरिवर्तित बनी हुई है यहाँ पे, है ना, अधिकांश से अपरिवर्तित बनी हुई है। केवल जो 3 है उनकी पोजिशन में सुधार हुआ है ना। तो अधिकांश जो है वो क्या है, फिगर्ड थोड़ी आएगा, उनकी स्थिति जो है वो क्या बनी हुई है, अपरिवर्तित बनी हुई है, तो रिमेंड अनचेंज्ड यहाँ पे आएगा। ये थोड़ा सा अर्थ के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे सी और ए आपस में एक्सचेंज होने वाले हैं, ये आपको जो है वो ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी और ए, यानी फोर्थ ऑप्शन ए सी यहाँ पे आंसर रहने वाला है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चंस था, यहाँ पे थोड़ा सा समझ के आपको करना था, क्योंकि फेल इनटू तो यहाँ पे सही है, ये तो किसी भी कंडीशन में यहाँ पे चेंज नहीं होगा, वैसे दिया हुआ भी नहीं है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि चेंज भी होता है यहाँ पे तो भी आप जो है वो कई चीज़ों को यहाँ पे फाइंड आउट यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिस ईयर फ्रॉम 49 द ईयर बिफोर, है ना, तो 49 फ्रॉम जो है वो पिछले साल से, तो उसके हिसाब से फ्रॉम भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो ए और सी आपस का आपका निश्चित तौर पर चेंज होने वाला है। अब आज के अंतिम सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज के देखते हैं। देखो यहाँ पे दैट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यानी विश्व की जो सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक जो यहाँ पे जो है वह व्यवस्था है,
विच रैंक्स इट्सेल्फ ऑन इट्स साइंटिफिक एंड आईटी प्रोविस। प्रोविस का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या होता है, कौशल होता है। प्रोविस का मतलब यहाँ पे कौशल, या जो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं जो गुण है यहाँ पे कौशल, या जो क्षमताएं हैं यहाँ पे उनको अपन बोल सकते हैं। फिगरिंग ओनली इन द टॉप 251 एंड 300। अब देखो टॉप 251 एंड 300 क्या प्राइड्स थोड़ी होगा, ये 251 से लेके 300 तक क्या है, रैंक है यहाँ पे। इस जो है वो रैंक के बारे में बात की गई है, और ये रैंक कहाँ पे, टू द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर। तो इसका मतलब ये रैंक वाली बात यहाँ पे कर रहा है, तो रैंक वाली बात कर रहा है, इसका मतलब ए की जगह क्या जाना चाहिए, यहाँ पे सी, और सी की जगह ए आना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा कारण यहाँ पे ये भी है कि ये आप देख रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर जो डेमोक्रेसी है यहाँ पे, ये नाउन का काम कर रहा है, और नाउन यहाँ पे सिंगुलर है, तो विच के बाद में यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो एस या ई एस में यहाँ पे आएगी, तो इसीलिए प्राइड ही यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि ये तो जो प्रोविस है यहाँ पे, ये नाउन है, कौशल यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, और डी चेंज हो नहीं सकता क्योंकि मैटर ऑफ कंसर्न्स का मतलब जो है वो कुछ चिंताओं का जो है वो विषय है यहाँ पे, या ध्यान में लाने का विषय है, तो मैटर ऑफ कंसर्न अपन लिखते हैं, तो ये उसके हिसाब से भी जो है वो यहाँ पे सही है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो है वो कौन सा हो जाएगा, ए और सी आपस में जो है वो चेंज होने वाले हैं, ऑप्शन नंबर जो है वो सेकंड यहाँ पे आंसर रहने वाला है। तो ये आज का जो है वो सेकंड पार्ट था यहाँ पे वर्ड स्वैप एक्सरसाइज का, जो जिसमें अपन ने टॉप 20 क्वेश्चंस को अपन ने यहाँ पे देखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो है दो सेशंस के अंदर काफ़ी कुछ अपन ने जो है वो चीज़ें समझी हैं, किस तरीके से अपन ऑप्शंस के माध्यम से भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, या कई बार अपन जो है वो अर्थ के हिसाब से भी अपन को वहाँ पे जाना पड़ सकता है, लेकिन काफ़ी कुछ कंसेप्ट्स मैं समझता हूँ आप लोगों के क्लियर हुए हैं। इसके बाद में मैं आपको जो है वो यहाँ पे पीडीएफ फाइल उपलब्ध कराऊंगा, जिसको आप यहाँ पे जो है वो खुद सेल्फ असेसमेंट के तौर पर यहाँ पे उसको हल करेंगे, जिसके मैं आंसर भी आपको दूंगा बाद में, ताकि आप अपने जो है वो असेसमेंट कार्य को जो है वो चेक यहाँ पे कर पाएँ। वीडियो को समय देने के लिए सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, और इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई के प्रति तत्परता और जागरूकता रखें, क्योंकि लॉकडाउन के ठीक बाद में आपके जो है वो एग्ज़ाम्स होने हैं, और इन एग्ज़ाम्स में आप परफॉर्म कर पाएँ, इसके लिए आपकी स्टडी में निरंतरता बने रहना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।